क्वेश्चन नंबर 9, गिव एग्जांपल्स टू शो दैट फ्रिक्शन इज बोथ अ फ्रेंड एंड अ फो. फ्रिक्शन इज अ फ्रेंड, इट हेल्प्स अस टू ग्रिप एनी ऑब्जेक्ट. फ्रिक्शन की वजह से ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ पा रहे हैं, ग्रिप कर पा रहे हैं. अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा, तो वो चीज क्या होगी, मूव कर जाएगी. इट हेल्प्स अस टू वॉक, हम वॉक भी कर रहे हैं तो वहां पर भी फ्रिक्शन की हेल्प से ही वॉक कर पा रहे हैं. ओके, वी आर एबल टू राइट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. हम लिख भी रहे हैं तो वहां भी फ्रिक्शन की ही हेल्प से लिख पा रहे हैं, नहीं तो क्या होगा कि हमारे पेन की नेब या पेंसिल जो है उस सरफेस पे स्लाइड कर जाएगी, इररेगुलरिटीज में वो फिलअप नहीं होगा और हम लिख नहीं पाएंगे. फ्रिक्शन एज अ फोर्स क्यों है? फ्रिक्शन कॉजेज द सोल्स ऑफ शूज एंड टायर्स टू वियर ऑफ. आपने देखा होगा आपके जूते शूज नीचे से घिस जाते हैं, गाड़ियों के टायर घिस जाते हैं, किस वजह से? फ्रिक्शन की वजह से. ड्यू टू फ्रिक्शन पार्ट्स ऑफ मशीन्स गेट हीटेड एंड वर्न आउट. फ्रिक्शन की वजह से ही जो मूविंग मशीन्स हैं उनके पार्ट्स जो है हीट होते हैं, धीरे धीरे घिस जाते हैं और उनको पार्ट्स को चेंज करना पड़ता है. ओके,